अस्सलामुअलैकुम, मैं सुलेखा अरफान, सुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सा घी रोस्ट चिकन। बहुत ही बेहतरीन बनता है घर पर। तो साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज। चलिए, एक फ्राई पैन के अंदर मैं यहाँ 3 सूखी लाल मिर्च डाल रही हूँ। आप 4-5 डाल सकते हैं। इसे वैसे रेशम पट्टी कहते हैं ये वाली मिर्च को। 1.5 छोटा चाय का चम्मच साबुत धनिया डाल दीजिए। 1.5 छोटा चाय का चम्मच काली मिर्च डाल दीजिए साबुत। 1 छोटा चाय का चम्मच सौंफ और 1 छोटा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा भी डाल दीजिए। 2-3 डंडी में यहाँ दालचीनी की डाल देती हूँ। चूल्हा चालू करके मीडियम आँच कर दीजिए और इसे 2 मिनट तक रोस्ट कर लीजिए। बार बार चलाते रहिएगा, हमें जलाना नहीं है, बस खुशबू निकले तब वहाँ तक आपने इसे रोस्ट करना है। जब 2 मिनट हो जाए तो यहाँ पर मैं 6 सूखी लाल मिर्च डाल रही हूँ, लेकिन ये वाली कश्मीरी है, कलर के लिए डाल रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी एक तरीके की ही डालें या मेरी तरह 2 अलग अलग तरीके की डालें। चूल्हा कर दीजिए स्लो आँच और इसे भी तकरीबन 1 मिनट तक बार बार चलाते हुए भून लीजिए। जब 1 मिनट हो जाए चूल्हे को कर दीजिए बंद और इसे प्लेट में निकाल लीजिए। और जब अच्छा ठंडा हो जाए तो इसे एक मिक्सर जार के अंदर डालकर बिना पानी डालकर इस तरीके से पीस कर साइड पर रख दीजिए ऐसे। 500 ग्राम तकरीबन चिकन ले लीजिए हड्डियों वाला और उसकी चर्बी निकाल के 2-3 पानी से धो के नितार कर साइड पर रख दीजिएगा। वैसे मेरी ये चिकन ज़्यादा ही है, 600 के ऊपर ही है, लेकिन आप 500 ही लीजिएगा। 2 छोटे चाय के चम्मच नींबू का रस डाल दीजिए। 1/4 छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1/2 या 1/4 छोटा चाय का चम्मच नमक या फिर नमक स्वाद अनुसार डाल दीजिए। बहुत अच्छे से मिक्स कर इसे 1.5-1 घंटे के लिए ढककर फ्रिज में रख दें मैरिनेट करने, या फिर साइड पर रख सकते हैं। अब एक कढ़ाई या फ्राई पैन लीजिए, उसका चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए और एक बड़ा सा चम्मच घी का डालिए, क्योंकि ये घी रोस्ट चिकन है। इसमें 1/2 छोटा चाय का चम्मच साबुत जीरा डाल दीजिए। जब जीरा तड़तड़ा जाए तेल के अंदर तो यहाँ 2 मीडियम साइज की प्याज बारीक कटी हुई डाल दीजिए, यानी कि छूंदा प्याज, और इसे बार बार चलाते हुए लाइट गोल्डन ब्राउन कर लें। फास्ट आंच पर फ्राई कीजिएगा, मतलब आपने तब तक फ्राई करना है जब तक है ना एकदम कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं हो जाता, हल्का चेंज होने लगे, बस वहाँ तक ही हमें फ्राई करना है। हाँ, चलिए कलर चेंज हो गया है प्याज का, तो यहाँ 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट मैं डाल देती हूँ। थोड़ा सा पानी डाल दीजिए छीटा पानी का और इसे मिक्स कर इसे बार बार चलाते हुए फ्राई कर लीजिए। तब तक फ्राई कीजिए जब तक कच्चेपन की खुशबू नहीं चली जाती अदरक लहसुन के पेस्ट की। अब यहाँ पर ये डाल दीजिए चिकन जो हमने मैरिनेट करने 1/2 घंटे पहले साइड पर रखा था। अच्छा, जो पतीली जिसमें आपने मैरिनेट भी किया होगा उसमें से भी सारा मसाला डाल दीजिएगा और चूल्हा मीडियम आँच कर दीजिए और इसे बार बार चलाते हुए हमारे चिकन को सबसे पहले तो 2 मिनट तक फ्राई कर लीजिए। जब 2 मिनट हो जाए तो वो जो मसाला हमने पीस कर रखा है वो सारा डाल दीजिए और उसके साथ 3 मिनट बार बार चलाते हुए मीडियम आंच पर फ्राई कर लीजिए। 5 मिनट टोटल हो जाए चिकन को फ्राई करके, मतलब 2 मिनट पहले हमने बिना मसाला डाल के जो मैरिनेट करा था उसमें फ्राई किया, उसके बाद मसाला डाल के हम 3 मिनट फ्राई करें। जब 5 मिनट टोटल हो जाए तो इसका कर दीजिए चूल्हा स्लो आंच और इसे ढक कर तकरीबन 5-6 मिनट तक स्लो आंच पर दम पर पकने दीजिए। चलिए 5-6 मिनट हो गए हैं। अब यहाँ पर खोल कर इसमें डाल दीजिए 3 टेबल स्पून भरकर गाढ़ी दही। ये रूम टेम्परेचर वाली दही है, खट्टी भी नहीं है, मीठी भी नहीं है। चूल्हा मैंने कर दिया फास्ट आंच और इसे बार बार चलाते रहिए और दही को भी डालकर भून लीजिए 1 मिनट तक। बार बार चलाते रहिएगा, नहीं तो स्लो पर रखते हैं तो कभी कभी कड़लप हो जाती है। अब जब 1 मिनट हो जाए फास्ट आंच पर तो चूल्हे को कर दीजिए स्लो आँच और 15 मिनट पकने दीजिए। सो दैट चिकन बच जाएगी यही दही और इसका जो पानी छूट रहा है उसी में ही, और जो चिकन अपना और पानी छोड़ेगा तो इस वाली रेसिपी में पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। चलिए 15 मिनट हो चुके हैं, चूल्हे को मैं कर देती हूँ बंद और आप देख सकते हैं कितने बढ़िया से मज़ेदार सी लग रही है हमारी चिकन। थोड़ा सा नमक मैंने एडजस्ट किया क्योंकि मुझे कम लग रहा था, आपको भी चाहिए तो आप डाल सकते हैं। एक बार चला लीजिए, मैंने अभी इसे ढक के रख देती हूँ। मैं 10-15 मिनट के बाद सर्व करने वाली हूँ, तो यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं और इसके बाद मैं सर्व करने लगी हूँ। तो यहाँ चूल्हा मैंने फिर से स्लो आँच पर रख दिया क्योंकि थोड़ी गर्म हो जाए, और बस अब इसमें मैं डाल देती हूँ नींबू का रस, उससे बढ़िया सा मज़ा आएगा इस वाली रेसिपी के अंदर। और इसके अंदर खूब सारी बारीक कटी हुई कोथमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए और ये बन गया हमारा गर्मा गर्म मज़ेदार सा चिकन घी रोस्ट
बढ़िया खाने के लिए तैयार है। आप इसे रुमाली रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बटर नान किसी के भी साथ सर्व कीजिए, पराठे के साथ। इनमें से कुछ की रेसिपी लिंक्स मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देती हूँ, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। अच्छा, आपको लग रहा है कि कुछ ज़्यादा मसाला है ही नहीं आपके लिए और बहुत ज़्यादा आपसे सूख गया हो तो, और आपको ज़्यादा मसाले वाले आप ज़्यादा खाते हो, मसाला ज़्यादा लगा के खाने वाले हो, तो आप क्या कीजिए, इस समय ना 1/4 कप जितना गरम पानी करके डाल दीजिए इसके अंदर, चिकन के अंदर। एक बार फास्ट आंच पर उबाल खिला लीजिए, मिक्स भी कर लीजिएगा, और स्लो आंच करके 2-3 मिनट तक दम पे रहने दीजिए। 2-4 मिनट हो जाए तो चूल्हे को कर दीजिएगा बंद और नमक एडजस्ट कर लीजिएगा। तो चलिए, यहाँ पर मैं खूब सारी बारीक कटी हुई कोथमीर फिर से डाल देती हूँ और इसे सर्व करते हैं। चिकन की खूब सारी ग्रेवीज वाली रेसिपी मैंने मेरे चैनल पर बनाई है, आप लोगों के लिए सारा प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। तो है ना मज़ेदार रेसिपी आज की। अगर आप ये रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगे। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए ये वाले वीडियो को, उससे ज़्यादा अच्छी लगे अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।